Sir, guys, it's me, Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School, Kasimabad, Hyderabad. So, जी guys, हम मैथ समझ रहे हैं, मैथ्स कंटिन्यू है, तो मैथमेटिक्स कंटिन्यूसली समझनी है, सीखनी है आपको, तो पहले आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि हर वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है? सो गाइस आइए बोर्ड की तरफ मूव हैं, समझते हैं क्या समझेंगे आज की क्लास में। एक्सरसाइज 2.4 कंटिन्यू है, समझते आ रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 समझ रहे थे, आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 समझेंगे। तो क्वेश्चन 6 में है इंक्लिनेशन एंड स्लोप कैलकुलेट करनी है, तो कंडीशन पार्ट 3 समझेंगे जिसमें कह रहा है द एक्सिस ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस जो है उसका स्लोप क्या है एक्स एक्सिस का एंड इंक्लिनेशन इस एंगल थीटा क्या है, ठीक है? तो आइए ये सिंपल है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करेंगे ताकि इजीली हम लोगों को समझ में आ जाए। एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे एंगल को लोकेट करना। लोकेट करना एक्स एक्सिस मींस 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, वापस 0 डिग्री पे से स्टार्ट हुए थे, 360 डिग्री है, सही है ये डिग्री। तो हर क्वाड्रेंट जो है 90 डिग्री का होता है, ठीक है? तो यहां पर सिंपली ये है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट एंड यहां पर है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक? तो इस पॉइंट पे द एक्सिस ऑफ एक्स, तो सिंपली एक्स एक्सिस पे ये है एक्सिस ऑफ एक्स मींस ये है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस मींस जो एंगल होगी वो क्या होगी 0 डिग्री, तो सिंपली एक्स एक्सिस पे है, सही है? सिंपली एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे मींस एंगल 0 डिग्री है, तो ये मींस मूव भी नहीं हुआ, मूव नहीं हुई, तो मींस एंगल जो है इंक्लिनेशन यहां पर दैट इज 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, ठीक है? अब स्लोप कैलकुलेट करेंगे, स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो स्लोप का फार्मूला मैं चीजें अगर इंक्लिनेशन मींस थीटा आपको समझ में आ गई तो स्लोप तो सिंपल फार्मूला है टेंजेंट ऑफ थीटा, थीटा इज इक्वल टू स्लोप मींस m टेंजेंट थीटा, तो tangent theta is 0 degree, अभी calculate किया, तो tangent is 0 degree, tangent 0 degree calculator पे अगर solve करेंगे ये छोटी-छोटी values हैं आपको ध्यान में रखनी है, tangent 0, tangent 90, tangent 45, tangent 135, ये values ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है? तो tangent 0 degree को अगर calculate करेंगे calculator scientific से वो भी answer आपको 0 मिलेगा, तो means यहाँ पर inclination भी 0 degree है एंड स्लोप भी 0 मिला है, सही है? सिंपल है, बस मैं चीज वही अगेन अगेन रिपीट करता जा रहा हूं, अब क्वेश्चन को समझिए डायग्राम ड्रा करें, बस सिंपल वही है, डायग्राम से इंक्लिनेशन मिल गई मींस स्लोप मिल गया, सिंपल है। सो कंसंट्रेशन के समझने की कोशिश करें, सिंपल प्रॉब्लम है, कोई भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा लॉजिकल जरूर है, कैसे ड्रा हो रहा है वो आप पे डिपेंड है, कंसंट्रेशन समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो आइए अब वो होते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4 को समझेंगे हम। सो जी गाइस नाउ पार्ट नंबर 4 द एक्सिस ऑफ y, सेम है जैसे अभी एक्सिस ऑफ x समझा था, अब एक्सिस ऑफ y भी समझेंगे, सही है? तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ड्रा करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सिस ऑफ y है, तो x ऑफ y मींस y एक्सिस की एंगल क्या है, x एक्सिस नेगेटिव है, y एक्सिस नेगेटिव है, ये y एक्सिस है, यहां पर ओरिजिन है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ दिस बोथ क्वाड प्लेन्स। सो देखें ये क्वाड्रेंट नंबर 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इनकी एंगल 0 डिग्री से स्टार्ट, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, वापस 360 डिग्री, सही है? ये पॉइंट्स है क्वाड्रेंट की, ठीक है? तो समझ में जरूर आ गई होगी, ये चार प्रॉब्लम समझते आ रहे हैं, ये सिंपल है आपको। अब क्या कह रहा है,
एक्सेस ऑफ वाई, तो एक्सेस ऑफ वाई मींस ये वाई एक्सेस, तो एक्सेस ऑफ वाई मींस ये वाई एक्सेस, तो वाई एक्सेस की एंगल क्या है, वाई एक्सेस की एंगल है 90 डिग्री, ठीक है, वाई एक्सेस की एंगल है 90 डिग्री, एक्स एक्स की एंगल जैसे हमने ली थी 0 डिग्री, तो वाई एक्सेस की एंगल लेंगे 90 डिग्री इंक्लिनेशन, क्योंकि आर्म द वाई एक्सेस, सिंपली वाई एक्सेस कह रहा है, तो ये तो सिंपली हो गया, तो इंक्लिनेशन मीन थीटा एंगल दैट इज 90 डिग्री, तो इंक्लिनेशन आ गई। सेकंड अब स्लोप कैलकुलेट करना है, स्लोप कैलकुलेट करना है तो स्लोप का फार्मूला यूज करेंगे टेंजेंट थीटा, एंगल मौजूद है तो स्लोप कैलकुलेट करने के लिए टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा मींस एंगल 90 डिग्री है, तो कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करेंगे टेंजेंट 90 डिग्री आंसर आएगा इनफिनिटी, साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको देगा बेहतर है और साइंटिफिक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर पे टेंजेंट 90 लिखकर इक्वल टू साइन प्रेस जैसे करेंगे कैलकुलेटर आपको आंसर देगा साइंटिफिक एरर या मैथ एरर, तो इसका मतलब ये है टेंजेंट 90 डिग्री का आंसर जो वो इंफिनिटी है, सही है, तो इंफिनिटी साइन ये आपके सामने आंसर, ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन नंबर 6 जो समझ रहे थे बिल्कुल ही सिंपल था, बिल्कुल ही सिंपल था, समझना जरूरी है ताकि आगे प्रॉब्लम जो समझेंगे उनमें कोई डिफिकल्टी हमें ना हो, तो ये चीजें मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में मेन चीज बात यही समझ में आई कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा, क्वाड्रेंट है, हर क्वाड्रेंट में एंगल्स डिग्रीज कितनी है, तो क्वाड्रेंट के हिसाब से एंगल कैसे डिवाइड हो रही है, सही है, अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो एंगल कैसे बाइसेक्ट हो रही है, ठीक है, तो ये मेन चीज है आपको समझनी, उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आ गया होगा, एंड प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो हर चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।